तुमने खबर दी है इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे, जैसे मुजरिम खड़ा होता कटहरे के अंदर, उस कटहरे में से हिल नहीं सकोगे। हत्ता युसअलान खमसिन, जब तक कि पांच चीजों का हिसाब न ले लिया जाए। वो पांच चीजें क्या है, कान खोल कर सुनिए। अन उमर ही फीमा अफना, उमर का हिसाब दो, ये 80 बरस और 70 बरस हमने तुम्हें दुनिया में दिए, कहां जाए किए। वान शबाब ही फीमा अफना, और खास तौर पर जवानी का दौर, उमंगों के दिन, वलवले होते हैं, कुव्वत होती है, तवानाई होती है, आदमी चलते हुए जमीन पर पांव मारता है, कुव्वत जो है वो अपना इजहार चाहती है। ये जवानी कहां गलाई, हिसाब दो, एक एक लम्हे का हिसाब दो। वहां माल ही मिन ऐनक तसबहू वफीमा अनफक़हू, एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहां से कमाया था, हलाल से कि हराम से, और कहां खर्च किया था, गुलछर्रों में, अय्याशियों में, या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक अल्लाह के दीन के लिए। चार सवाल हो गए, दो जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहसियत मजमुई कहा किस काम में लगाई, और खास तौर पर शबाब का दौर कहां लगाया। दो सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि ना जायज से, खर्च कहां किया। और आखिरी सवाल, वअम्मा अमल अफीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना किया। इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल के आगाज की भी नौबत ना आई। ये इल्म जो है ये उस रोज सबसे बड़ा वबाल बन जाएगा, इतना इल्म और अमल कुछ नहीं, बजाय के क्रेडिट का जरिया बने ये उल्टा डेबिट का खाता बन जाए। ये जवाबदेही का एहसास है कि जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी जो है वो दोहरी है, कोई हैवान इतने बोझ तले नहीं। मुशक्कत की, मेहनत की, इस जिंदगी में खत्म हुए, उसके बाद कोई मुहासबा नहीं। इसको भी गालिब ने खूब कहा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाए। ये है वो ह्यूमन ट्रेजेडी